ठीक है, मैंने प्लान देख लिया, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और एम एस साहब से कहें कि मुझसे कांटेक्ट कर लें। राइट सर। हेलो, भेज दे। राइट सर। थैंक यू। बैठो प्लीज। थैंक यू। ये शांजे है। मैं जानता हूं ये बात। नहीं, आप नहीं जानते। मैं जानता हूं ये शांजे है। अब इसके अलावा कुछ और है तो बता दो। तारुफ तो तुमने करवा दिए, लेकिन ये भी बता दो कि यहाँ क्यों आए। एक जवाब का कर्ज था मुझ पर, वो उतारने आया हूं। तो वो कर्ज तब क्यों नहीं था जब मैंने पूछा था? क्योंकि मैं जवाब वक्त पर देता हूँ और वो वक्त अब आया। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? शायद मैं भी यहाँ मौजूद हूँ ना, तो मुझे भी शामिल कर लिया जाए। ऑफ कोर्स, तुम्हें शामिल किए बगैर ये बात पूरी नहीं हो सकती। तो सलमान साहब, शांजे का मुकम्मल तारुफ करवा दूं मैं आपसे? शांजे मेरी होने वाली बीवी, ये बात मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, शांजे से भी पहले। क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इस बात की खुशी सबसे ज्यादा आपको होगी। Anyways, to the office. Shanze. तुम्हें मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारा वहां जाके वो बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। हैरानी की बात है, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे पूछ रहा, तुम कोई जवाब नहीं दे रही। क्योंकि तुम्हारी बात ही बेबुनियाद है। उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता, और अगर जवाब मिल भी जाए तो उसकी सजा तुम खुद तजवीज करोगे या फिर मैं? एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती।
नहीं है। जुर्म है इतना, ये माँ जैसे लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। माना बेवफाई की है, तू ही सही है, याद है तेरे। इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के सीईओ को शांति को मालूम नहीं था कि माधु से शादी कर रहा है। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। उसके चेहरे की हैरानी बता रही थी कि माध ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए उसी वक्त सोचा। ये कोई पत्थर नहीं, और अगले लम्हे कह दिया, वो शांजे से शादी कर। कोई पत्थर नहीं, चोट दे दो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रहे? कभी कभी जिंदगी में चीजों को सिर्फ उतना देखना चाहिए जितना वो नजर आ रही हो। दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि उस खूबसूरत पेंटिंग के पीछे की दीवार का रंग उखड़ है। कभी कभी इस तरह के मसलहत को दिनाई समझ के मसले से बचकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। हमारे तुमने क्या किया अंदर? क्यों, क्या किया मैंने? माँ, तुमने सलमान भाई से कह दिया कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, और इस बात का मुझे पता ही नहीं है। क्यों? अच्छा नहीं क्या क्या मैंने, या मैं तुम्हें पसंद नहीं हो? मतलब पसंद हो, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ इजहार मोहब्बत का? भाई क्या करूं, अपना तो यही स्टाइल है। अच्छा, अगर आपका यही स्टाइल है तो आप आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि सलमान अरूज को अब कभी तंग नहीं करूंगा। सलमान का शक करने वाला चैप्टर जो है ना, हमेशा के लिए क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये सब कुछ आपने सिर्फ अरूज के लिए किया है? कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये मेरी गलत फहमी, मुझे लगा कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बेवकूफ लड़की, अपनी अम्मी को कॉल करो और पूछो कि इस वक्त मेरी अम्मी कहाँ पर। नो वे, कॉल कीजिए। हेलो मामा, मामा आप कहाँ हैं अभी? What? अच्छा अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सी, देख लिया? I can't believe this. I mean, ये कैसे हो सकता है?